उमरिया में भी अनलॉक की शुरुआत 1 जून से होगी, लेकिन कुछ नियम और शर्तों के साथ। उमरिया में किराना दुकानें 11 से शाम 4 बजे तक खुलेंगी। ये व्यवस्था 7 जून तक जारी रहेगी। उमरिया में भी अनलॉक की प्रक्रिया 1 जून से आरंभ हो रही है। 1 जून से 7 जून तक के लिए कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। इस दौरान 11 बजे से लेकर 4 बजे तक किराने की दुकानें खुलेंगी। अलग अलग सामानों की दुकानें सप्ताह में फिलहाल 2 दिन खुलेंगी। उमरिया में कलेक्टर ने कोरोना नियमों का पालन करने के निर्देश दिए हैं। रिसोर्ट के कर्मचारी, गाइड, ड्राइवर, इन सब पास वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट होना अनिवार्य होगा। यात्री जो बाहर से आई है, क्योंकि कई राज्यों में वैक्सीनेशन की व्यवस्था नहीं है, उनके लिए RT-PCR नेगेटिव सर्टिफिकेट लाना अनिवार्य होगा। इस प्रकार बालू और टाइगर रिजर्व की जो आर्थिक गतिविधियाँ बंद थी वो तो प्रारंभ हो सकेंगी। इसके अलावा जो दुकानों के बारे में जहाँ तक सवाल है, सब्जी, फल, अंडा, ये सब की दुकानें अब सुबह 5 बजे से 11 बजे तक सभी दिन खुल सकेंगे। यही वो समय होता है जब लोग सब्जी खरीदते हैं, तो प्रतिदिन सुबह 5 से 11 खुल सकेगी। किराना दुकान, क्योंकि किराना दुकान 11 बजे पहले कोई नहीं आता, कोई ग्राहक नहीं आता, तो 11 बजे से 4 बजे तक प्रतिदिन खुलेंगे किराना दुकान। इसके अलावा जो दुकानें हैं, जिस तरह स्टेशनरी, बुक्स, ऑटोमोबाइल, कपड़ा, इलेक्ट्रॉनिक, मोबाइल, ये सारी दुकानें हफ्ते में 2-2 दिन खुलेंगी। इनके लिए पृथक से तालिका भी जारी कर देंगे कौन से किस दिन खुलेगी। तो हफ्ते में 2-2 दिन खुलेंगी, जिससे कि लोग जिनको इन सामानों की आवश्यकता है उनकी खरीदारी कर सके। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गाँव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।